पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल बनाम हमास के बीच युद्ध चल रही है। इस युद्ध को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यह युद्ध यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद के लिए हो रही है, जहां ईसाई, इस्लाम और यहूदी अपनी अपनी आस्था रखते हैं। तीनों का मानना है कि वह जगह उनकी है और तीनों ही उस जगह पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। यहूदी धर्म काफी पुराना माना जाता है। यहूदी धर्म की सबसे ज्यादा संख्या इजराइल में मौजूद है, इसी कारण से इजराइल देश का स्थापना हुआ है। इस धर्म के लोग एक ईश्वर की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि मुस्लिम धर्म की तरह ही यहाँ पर भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। बताया जाता है कि 1973 ईसा पूर्व में यहूदी धर्म की एंट्री भारत में भी हुई थी। उन्होंने केरल के मालाबार तट के जरिए एंट्री की थी, तब उनके राजा सुलेमान हुआ करते थे। हालांकि जब इजराइल की स्थापना हुई तो ज्यादातर लोग वहां चले गए। यहूदियों की धार्मिक भाषा इब्रानी है, जिसे हिब्रू भी कहा जाता है, और मेन धर्म ग्रंथ तनख है, इसे हिब्रू में ही लिखा गया है। यहूदी अपने देवता का नाम यहोवा बताते हैं। उनके मुताबिक यहूदियों के पहले पैगम्बर हजरत मूसा ने यह नाम सुनाया था। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगम्बर इब्राहिम से मानी जाती है। इब्राहिम के पोते का नाम हजरत अलैहिस्सलाम याकूब था। याकूब को ही इजराइल कहा जाता है। बताया जाता है कि याकूब ने 12 अलग अलग जातियों को मिलाकर एक पूर्ण राष्ट्र यानी इजराइल को बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। उनका वंशज आगे चलकर यहूदी कहलाया। यरूशलेम, जिस पर फलस्तीन और इजराइल दोनों दावा करते हैं, दरअसल उसे सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ यहूदियों का सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जिसकी अब सिर्फ दीवार बची है। यही मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। वह इजराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन अपने नियंत्रण में ले लिया था। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहीं के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात बताई जाती है। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन के नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। यहीं से फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुल्म किए गए। यहूदी वहां से भागकर एक नए देश की तलाश में यहां पहुंचने लगे। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि है और वह वहां पे अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच भी हिंसा शुरू हो गई थी। 2047 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि यहूदी और अरबों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किए जाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा, लेकिन यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की बात तो स्वीकार कर लिया, मगर अरब लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। इस वजह से ये कभी लागू नहीं हो पाया। जब ब्रिटेन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो वो वहां से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल नाम का एक देश का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका पूरा विरोध किया। इस तरह दोनों पक्षों के बीच पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक युद्ध खत्म हुआ तब तक इजराइल के पास एक बड़ा हिस्सा आ चुका था। फिलिस्तीनी लोगों के लिए जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने लड़ाई लड़ी थी, मगर उनकी हार की वजह से फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के कब्जे में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गाजा ट्रिप कहा गया। वही यरूशलेम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बल और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। ये सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया था। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा ट्रिप पर भी कब्जा कर लिया। गाजा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल जारी रखा है। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाजा ट्रिप में रह रहे हैं। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेंपल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। वही यरूशलेम में ही ईसाइयों के क्वार्टर ऑफ चर्च द होली स्पेलकर मौजूद है, जो उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु, सलीब चढ़ाने और पूर्ण जन्म की कहानी का केंद्र है। यही वजह है कि तीनों धर्मों
के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहता है। उम्मीद है द मिस्त्री की ये भी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।